हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल ओकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने डिटरमिनेंट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी एंड चैलेंजेस देखा था, जिसमें हमने जो भारत के विदेश नीति को निर्धारित करने वाले फैक्टर्स थे उन पर चर्चा करी थी और कुछ चैलेंजेस भी देखे थे हमने। आज हम एक बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, भारत की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, भारत को परमाणु से संबंधित जो भी डॉक्ट्रिन है इंडिया का, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन का मतलब होता है कि परमाणु जो हथियार हमारे पास है उसको हम किस तरीके से यूज करेंगे एंड बाय बाय फॉर व्हाट पर्पजेस। तो ये और ये सारी चीजें हम इस पे चर्चा करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सो यू मस्ट बी अवेयर। अगर जो ये न्यूक्लियर जो होता है ना, न्यूक्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जो न्यूक्लियर होता है, परमाणु होता है, परमाणु या एटम जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि एनॉर्मस एनर्जी होती है। न्यूक्लियर जो होता है इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है, एनॉर्मस एनॉर्मस एनर्जी इससे निकलती है। और ये दो तरह के से निकलती है, ठीक है। एक तो होती है फिजन, एक होता है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है विखंडन और फ्यूजन का मतलब होता है संलयन। तो जो सूर्य में ऊर्जा होती है वो ये सन की जो एनर्जी होती है फ्यूजन से होती है। जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो एनर्जी बनती है वो फ्यूजन फ्यूजन से बनती है। तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर के ये दोनों एनॉर्मस एनर्जी निकलते हैं। अगर ये इसको हम दो तरीके से प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है, एक डिस्ट्रक्टिव यूज हो सकता है और एक कंस्ट्रक्टिव यूज हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव यूज का मतलब है कि अगर हम फ्यूजन को अनकंट्रोल्ड फ्यूजन जो होता है, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड फ्यूजन का मतलब होता है अनियंत्रित विखंडन। अनियंत्रित विखंडन जो होता है एटम बॉम्ब्स में होते हैं, एटम बॉम्ब्स बहुत विध्वंसक होता है ये। इसको हम न्यूक्लियर बम भी बोलते हैं, न्यूक्लियर वीपन भी बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर वीपन के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव यूज के लिए। और कंट्रोल्ड वे में करने का मतलब है, कंट्रोल्ड वे में हम न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका प्रयोग करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में कैसे होता है इसका प्रयोग, कंट्रोल्ड वे में, यानी कि जो फ्यूजन होता है उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको तेज और कम भी कर सकते हो। उसके लिए जो है मंदक का प्रयोग किया जाता है, आपने नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये दो तरीके से न्यूक्लियर का यूज किया जा सकता है। जो हमारे होमी जहांगीर भाभा जी थे, ठीक है, उन्होंने इंडिया की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, अगर हम सिविल यूज के लिए बात करें, नागरिक यूज के लिए सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम इसको आप बोल सकते हो। सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम का मतलब नागरिक परमाणु कार्यक्रम। वन मिनट प्लीज, देयर इज अ प्रॉब्लम। तो जो ये सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनको उन्होंने तीन चरणीय बनाया। तीन चरणीय में मतलब होमी भाभा इन विजन इंडियाज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम इन थ्री स्टेजेस टू स्वीट कंट्रीज लो यूरेनियम रिसोर्स। हमारे पास यूरेनियम की जो कमी थी, ठीक है, कमी है इनफैक्ट, उससे निपटने के लिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास थोरियम है, थोरियम है जो केरला के मोनोजाइट रेत में पाई जाती है। तो ये जो थोरियम होता है, थोरियम
एक तरीके से जो फर्टाइल मटेरियल होता है, और इसको हम साइंस टेक में आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, थोरियम फर्टाइल मटेरियल होता है, और ये जो होता है यूरेनियम 252, ये क्या होता है, फिसाइल मटेरियल होता है। तो इन्होंने चार स्ट्रोंग बताया था। पहले में जो है हम ये नेचुरल यूरेनियम को यूज करेंगे फ्यूल के रूप में, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी और हैवी वाटर रिएक्टर्स फ्यूल्ड बाय नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूस्ड प्लूटोनियम, उससे प्लूटोनियम निकलेगा। तो इस प्लूटोनियम को एनरिच करके के परमाणु बम भी बनाया जा सकता है। तो सेकेंड होगा, यो इसमें जो है प्लूटोनियम को फ्यूल के रूप में यूज किया जाएगा और नेचुरल यूरेनियम के साथ साथ, ठीक है, थोड़ा थोरियम भी यूज किया जाएगा, थोरियम, ठीक है, जो कि यूरेनियम 233 में बदल जाएगा। और जब थोरियम यूरेनियम 233 में बदल जाएगा तो ये क्या है, ये फिजाइल मटेरियल है। एक होता है फर्टाइल मटेरियल, एक होता है फिजाइल मटेरियल। तो ये जो फिजाइल मटेरियल होता है ये डायरेक्टली ऊर्जा नहीं उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वो फर्टाइल मटेरियल में बदलने के उसके पास, सॉरी, फिजाइल मटेरियल जो होते हैं वो डायरेक्टली ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, लेकिन जो फर्टाइल होते हैं उनमें फिजाइल बनने की संभावना, मतलब कि क्वालिटी होती है। तो उसमें को जब सेकेंड स्टेज में डाला जाएगा थोरियम को, तो वो फर्टाइल से फिजाइल मटेरियल में बदल जाएगा। फिर थर्ड स्टेज में क्या होगा, उस यूरेनियम को हम एज ए फ्यूल यूज करेंगे। तो ये हमारा एक टोटल जो होमी जहांगीर भाभा जी ने बनाया था वो था, ठीक है। तो ये इसका यूज सिविल के लिए, नागरिक यूज उपयोग के लिए, ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इंडिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2.1% जो टोटल एनर्जी है उसका, ये 2 और 3%, आप इसको कंफर्म करना, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूल से, न्यूक्लियर एनर्जी से यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से ये जो परमाणु बम का कॉन्सेप्ट आया था, तो परमाणु बम का सबसे पहले यूएसए ने ही किया था खोज, मतलब बनाया था यूएसए ने ही, और उसका प्रयोग भी कर दिया था 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर, ठीक है। और उसके बाद 4 साल के बाद 1949 में रशिया ने भी, यूएसएसआर, उस समय यूएसएसआर था, इन्होंने भी परमाणु बम की खोज कर ली अपने वहां और उसका परीक्षण भी कर लिया। यानी अगर अपन जो 4 साल तक यूएस ने जो है एंजॉय किया अपना परमाणु बम का पूरा, अकेले सुपर पावर के रूप में, लेकिन 49 में तराजू बराबर हो गया, ठीक है, रशिया के प्रयोग के साथ ही। उसके बाद से इन महाशक्तियों के बीच में कोल्ड वॉर का भी एरा चला था। तो ये दो जो है शुरुआती न्यूक्लियर कैपेबल कंट्रीज थे। उसके बाद से और भी कुछ कंट्रीज निकल करके आए जिनको P5 में जाना जाता है, ठीक है, चाइना के पास भी हो गया परमाणु बम। 1974 में इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में जो बदलाव आए थे उसको उसके दृष्टिगत इंडिया ने पहला परमाणु परीक्षण किया था इस्माइल बुद्धा के नाम से, ठीक है, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। और ये क्या था, जो हमारे पड़ोसी देश थे जैसे कि चाइना हो गया, 1972 में चाइना ने इंडिया पे हमला कर दिया था एक तरफा युद्ध, 1971 का पाकिस्तान के साथ जो बांग्लादेश की आजादी के समय में लड़ा गया युद्ध था, तो इन सब से क्या हुआ है, जो नेहरू जी की आइडियोलॉजी फॉरेन पॉलिसी थी, आइडियोलॉजिकल, उससे शिफ्ट हुआ इंडिया जी का अप्रोच और रियलिस्टिक की तरफ बढ़ गए। तो ये 1974 में हमने फर्स्ट जो है क्या किया, परमाणु परीक्षण किया। उसके बाद से 1998 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के समय में, 1998-99 में फिर से परमाणु परीक्षण किए थे, ठीक है। और इसी के बाद परमाणु परीक्षण करने के बाद जब वैश्विक स्तर पर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा दिए गए थे, तो इसके बाद जो अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने इंडिया का जो है
न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया, ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया का प्रारूप तैयार किया गया 2003 में, वो पास कर दिया गया था। सॉरी, इसको हम आगे देखते हैं। उसके बाद से इंडिया ने, इंडिया जो है नॉन, जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी थी उसमें इंडिया शामिल नहीं हुआ था, क्योंकि दुनिया में जो है, जो चलाया गया, बनाया गया था जो ये परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए, ठीक है। और जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, ये देखो आप यहाँ पे जो ग्रीन कलर के कंट्रीज हैं, उन्होंने न्यूक्लियर, नो न्यूक्लियर वेपन, नॉन सिग्नेटरी स्टेट विथ नो न्यूक्लियर वेपन, ये ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने एनपीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है, और ये इनके पास परमाणु बम भी नहीं है। और ये जो ब्लू कलर के हैं, एनडब्ल्यूएस, दैट साइन द ट्रीटी, ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। एक तो अमेरिका, आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, चाइना, ये क्या है, ये फाइव कंट्रीज जो है, सॉरी फोर कंट्रीज, नहीं, फाइव कंट्रीज, फाइव कंट्रीज जो है, कौन कौन से, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चाइना न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट है। इसराइल के पास ऐसा माना जाता है कि उसके पास है, ठीक है, इसराइल के पास है, वाइडली बिलीव टू प्रोसेस सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर आर्सेनल थ्रू परसुएसिव पॉलिसी एंड एम्बिग्युटी ओवर इट्स पोसेशन। तो ये जो है इनके पास है, और जो रेड कलर में आप देख सकते हो, न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स नॉट पार्टी ऑफ टू एनपीटी, ये एनपीटी को, एनपीटी की कोई भी पार्टी नहीं है, जो ये देश है, ठीक है। इन्होंने, इनके पास परमाणु हथियार है लेकिन ये एनटीपी, एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है। तो ये एक सिचुएशन है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का। इंडिया इसको कहता है कि ये भेदभाव पर आधारित व्यवस्था है, इसलिए हम उसमें इसके पार्ट नहीं बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहते किसको है, तो न्यूक्लियर जो डॉक्ट्रिन होता है वो किसी भी न्यूक्लियर परमाणु हथियार से सक्षम एक राज्य के द्वारा एम्प्लॉय किया जाता है, ठीक है, कि वो अपने इस न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग शांति और युद्ध के दौरान किस प्रकार से करेगा। और इससे क्या होता है कि जो ये एक सुरक्षा, क्या, डेटरेंस, सुरक्षा या डिटरेंस बनाने का काम करता है। मतलब अगर इस, कोई दूसरा देश जो है अगर हमला करने की कोशिश सोचता है तो उसको 2-3 बार और सोचना पड़ेगा। थ्रू द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ए स्टेट कैन कम्युनिकेट इट्स इंटेंशन एंड रिजॉल्व टू द एनिमी, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि वो एक जो अपना जो एक्शन होगा उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड द डॉक्ट्रिन ऑल्सो गाइड्स द स्टेट्स रिस्पॉन्स ड्यूरिंग वॉर, और युद्ध के दौरान जो राज्य का रिस्पॉन्स होगा उसको भी, उसका भी मार्गदर्शन ये डॉक्ट्रिन करते हैं। इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देखो, एक तो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, विश्वसनीय न्यूनतम सुरक्षा, नो फर्स्ट यूज, पहले हम यूज नहीं करेंगे, रिटेलिएशन अटैक टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज, अगर मतलब हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम इस तरीके से हमला का जवाब देंगे कि वो बहुत ही बड़े मात्रा में नुकसान होगा। एंड अथोराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, जो नागरिक राजनीतिक लीडरशिप है, नेतृत्व है, उसके द्वारा इसको प्राधिकृत किया जाएगा। एंड नो न्यूक्लियर अटैक ऑन नॉन न्यूक्लियर स्टेट, जो गैर परमाणु राष्ट्र है उसके ऊपर परमाणु बम से हमला नहीं किया जाएगा। रिटेलिएटिंग विथ न्यूक्लियर वेपन्स इन केस ऑफ बायोलॉजिकल और
केमिकल विकल्पन अटैक्स। अगर कोई जैविक या रासायनिक हथियारों से हमला होता है इंडिया के ऊपर, तो इंडिया उसका जवाब परमाणु बम से दे सकता है। नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। जो भी न्यूक्लियर की परमाणु मतलब न्यूक्लियर या परमाणु की से संबंधित जो सामग्रियां हैं उनके एक्सपोर्ट्स को काफी स्ट्रिक्ट तरीके से नियंत्रित किया जा रहा है, कठोरता से उसको नियंत्रित किया जा रहा है। एंड कमिटमेंट टू गोल ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। और हमारा जो कमिटमेंट है वो एक पूरी दुनिया को परमाणु हथियारों से फ्री स्टेट बनाने का है, जो अभी भी इंडिया उस पर जो क्या है कायम है, इंडिया अभी भी उस पर कायम है। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी भी काफी महत्वपूर्ण है इसको समझना, इसका जो ढांचा है। 4 जनवरी 2003 को कैबिनेट कमेटी इन सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड NCA, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने जो है ये बनाया था। ये एक तरीके से राजनीतिक जो काउंसिल है इसके, इसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी दो। तो जो मेन हेड होगा वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होगा, और ये उसके नीचे आएंगे स्ट्रेटेजिक फोर्सेस, और फिर उसके बाद कमांडर इन चीफ एयर मार्शल। और जो एक एक जो है कार्यकारी परिषद होगी, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार इसका हेड होगा, और ये प्रधानमंत्री को सलाह देंगे इससे संबंधित, न्यूक्लियर वेपन से संबंधित जो सलाह होगा प्रधानमंत्री को कौन देगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कि कार्यकारी परिषद। तो ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड करेंट स्टेटस की बात की जाए, रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड करेंट स्टेटस, India was recently accepted as a member of 3 of the 4 export panel control regime. जो भी ये परमाणु हथियार से संबंधित जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है, उससे संबंधित जो रेजिम्स है, ठीक है, उसमें से चार महत्वपूर्ण जो प्रमुख हैं, उसमें से 3 को का मेंबर इंडिया बन चुका है। एंड इट वॉज एडमिटेड एज ए मेंबर into the missile technology control regime जो है MTCR, उसका member India 2016 में बन गया, फिर Wassenaar arrangement का 2017 में बन गया, ठीक है। ये सारे जो है nuclear से संबंधित जो सामग्री है उसके जो उसको control करने के लिए है। फिर 2018 में India Australia group का भी बन गया member। अब इंडिया जो है एनएसजी का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन चाइना इंडिया को सपोर्ट नहीं करता एनएसजी में एंट्री के लिए, और वो कहता है कि बिना एनपीटी पर सिग्नेचर किए वो इंडिया को एनएसजी में शामिल होने नहीं देगा। और ये शर्त भी है एनएसजी की कि बिना उस पर एनपीटी पर सिग्नेचर नॉन सिग्नेटरीज जो कंट्रीज होंगे उनको हम एनएसजी में शामिल नहीं करेंगे। एंड इट इज ट्रू। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा नॉट फर्स्ट यूज की हमारी जो पॉलिसी है, ठीक है, उससे क्या फायदा हो सकता है नॉट फर्स्ट यूज की पॉलिसी। तो जो नॉट फर्स्ट यूज पॉलिसी हमारी है, ये एक तरीके से न्यूक्लियर जो हथियारों के कार्यक्रम है, ठीक है, उनको एक तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करता है, कंट्रोल करने की कोशिश करता है। और द डॉक्ट्रिन मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर यूज। और जो डॉक्ट्रिन है वो जो परमाणु हथियारों के उपयोग की जो संभावना है उसको कम करता है। द डॉक्ट्रिन मिनिमाइज द प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर यूज। द डॉक्ट्रिन ऑल्सो reduce the changes of unnecessary chaos as the onus of taking decision to escalate a nuclear use lie
ऑन द एडवर्सरी एंड स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू डॉक्ट्रिन कैन स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट्स टू गेन मेंबरशिप इन द न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। अब जो है अगर इंडिया इस अपने डॉक्ट्रिन का काफी कठोरता से पालन करता है, ठीक है, तो जो हो सकता है कि इंडिया को न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स और यूएनएससी में क्या मिल जाए, यूएनएससी में जाने के लिए इंडिया को मतलब एक मार्ग मिल जाए, इंडिया की छवि अच्छी बनेगी, तो इंडिया के लिए जो है रास्ते खुलेंगे, ठीक है, फिर इंडिया यूएनएससी का मेंबर बन सकता है। तो ये एक तरीके से क्या है, नो फर्स्ट यूज की जो हमारी पॉलिसी है उसका यहाँ पे हमने एक एडवांटेज देखा। लेकिन हाल में क्या हुआ था कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह हैं इनफैक्ट, ठीक है, इन्होंने एक ट्वीट किया था। तो उन्होंने क्या ट्वीट किया था कि पोखरण विटनेस अटल जीज फर्म रिजॉल्व टू मेक इंडिया अ न्यूक्लियर पावर एंड इट रिमेन कमिटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज, कि हम नो फर्स्ट यूज की जो डॉक्ट्रिन है उसको अभी भी उसका पालन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और इंडिया हैज अधेयर्ड टू दिस, इस पे कायम रहा है। अब आगे भविष्य में क्या होगा, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि हम उसको नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है उसको यूज करेंगे या नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट था राजनाथ सिंह जी का, ठीक है, और इस पे एक तरीके से फिर बातचीत शुरू होने लगी कि अगर इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को फॉलो कर रहा है और अगर वो छोड़ता है इसको, तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा भारत की विदेश नीति में, और इससे क्या होगा, जो वैश्विक समुदाय है उस पर भी गलत मैसेज जा सकता है, या फिर क्या होगा ये तो समय बताएगा अगर हम इसको छोड़ेंगे तो। एंड द इंडिया, यहाँ पे हम एक बार पोजीशन देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ इंडिया में क्या है कि हम नो फर्स्ट यूज को यूज करते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में क्या है, डज नॉट स्पॉसेस अ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, इस डॉक्ट्रिन प्रोमिसेस मैसिव रिटेलिएशन टू द एग्रेसर, मतलब नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को ये मतलब ऑफिशियली तो ऐसा कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, ठीक है, एंड द न्यूक्लियर ऑप्शन एंड एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू अनकंडीशनल नो फर्स्ट यूज पोस्चर कैन हेल्प अंडरपिन डिटरेंस अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग डिबेट डिस्कशन देखते हैं कि इम्प्लिकेशंस ऑफ अबॉन्डिंग एनएफयू फॉर इंडिया। अगर भारत नो फर्स्ट यूज की जो उसकी पॉलिसी है उसको छोड़ देता है तो उसका क्या प्रभाव इंडिया के ऊपर पड़ेगा, उसको हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। कैन इससे क्या होगा, जो एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति की जो भारत की एक छवि है, जिम्मेदार परमाणु शक्ति की भारत की जो छवि है, ठीक है, उसको क्या होगा, ठेस पहुंचेगा और इंडिया की वो जो छवि है वो धूमिल हो सकती है। कैसे, अगर ये हम नॉन फर्स्ट यूज की जो हमारी पॉलिसी है उसको छोड़ देते हैं। एंड एब्रोगेट इंडियाज कमिटमेंट टू द यूनिवर्सल गोल ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, और जो भारत का एक तरीके से सार्वभौमिक लक्ष्य है न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट को लेकर के कमिटमेंट है जो इंडिया का, ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, एक तरीके से एब्रोगेट करेगा। उसकी वजह से इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ सकता है कि भाई आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड बनाना है, ठीक है, और फिर आपने फॉरेन पॉलिसी में आपने क्या कर लिया,
नो फर्स्ट यूज को खत्म कर दिया है। तो ये एक मुद्दा यहाँ पे इधर से भी बन सकता है। नेक्स्ट है जो रीजनल बैलेंस है वो गड़बड़ हो सकता है। अगर नो फर्स्ट यूज इंडिया खत्म कर देता है अपना, तो फिर क्या होगा? एक अविश्वास की भावना बन जाएगी जो हमारे पड़ोसी देश है, ठीक है, उनके बीच में। तो एक तरीके से फिर और हथियारों की जो होड़ है वो और भी ज्यादा काफी तेज बढ़ सकती है। तो ये जो है नो फर्स्ट यूज की जो हमारी पॉलिसी है वो उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं कि अगर उसको हम छोड़ देंगे तो क्या होगा। एक तो रीजनल बैलेंस भी खराब हो जाएगा एंड कैन सेंड अ डेलिबरेट सिग्नल टू प्रोवोकस प्रोवोकेशन टू चाइना। और चाइना को जो है क्या कर सकता है, उकसाने वाला काम यहाँ पे हो सकता है। चाइना को उकसाने की बात हो सकती है कि चाइना भाई ये नो फर्स्ट यूज की हम छोड़ते हैं, तो चाइना को उकसाने का जो है काम किया जाएगा इस तरीके से। कॉस्टली पॉलिसी और नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है वो काफी महंगी होगी। इसके लिए हमको जो है लॉन्च पैड बनाने पड़ेंगे, ठीक है, लॉन्च पैड स्थापित करने पड़ेंगे। उसके बाद से हमारे पास मल्टी मल्टी मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ठीक है। इस मल्टीपल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि ये देखो आप, मल्टीपल री एंट्री टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, ये री एंट्री व्हीकल्स होते हैं जो ये न्यूक्लियर पेलोड से यहाँ लेके जाते हैं, ठीक है। जो नॉर्मल मिसाइल्स होते हैं वो एक ही लेकर के जाते हैं, लेकिन जो MIRV मिसाइल्स होते हैं, मल्टी इंडिपेंडेंस टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स होते हैं, जो वो कई सारे पेलोड्स लेकर जा सकते हैं। और ईच री एंट्री व्हीकल कैन बी इंडिपेंडेंटली टारगेटेड लॉन्च्ड फ्रॉम द मिसाइल बाय हिटिंग डिफरेंट टारगेट्स। मतलब ये एक ही मिसाइल से छोड़ा जाएगा, लेकिन वो अलग अलग कई जगहों कई निशानों को साध सकता है। तो ये काफी मतलब एक तरीके से स्टेट ऑफ आर्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जो कि इंडिया के पास नहीं है, काफी कॉस्टली है। सी बेस्ड जो MIRVs है वो यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के पास है, लैंड बेस्ड चाइना के पास है, और सी एंड लैंड बेस्ड जो है रशिया के पास है, और जो पाकिस्तान और इंडिया है वो चाहते हैं कि हमको वो मिल जाए, ठीक है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। हमने यहाँ पे इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रीन है उस पर चर्चा की है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम देखने वाले हैं फेसेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आगे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। अगर आपको इस टॉपिक में समझाया गया किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली उसका रिप्लाई 24 घंटे के भीतर करूँगा। आप हमें सुझाव भी दे सकते हैं ताकि अगर जरूरत पड़े तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं। आप हमसे हमारी ओकुल वेबसाइट, हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल या फिर ईमेल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करना नहीं भूलें ताकि इनसे उनकी भी हेल्प हो सके। इस सेशन में हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्द, तब तक ओकुल के साथ लर्निंग को एंजॉय करते रहें। थैंक यू सो मच।